एंड सो गाइज, सो वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी फिलहाल हमारा जस्ट मेरा और निशांत का प्लान बना है कि हम सेक्टर 70 जाएंगे, 5 फेज जाएंगे, 7 फेज जाएंगे, और वहाँ पे आसपास बॉयज पीजी या कोई फ्लैट फ्लूट आंटी उंडे से भी मतलब कि जस्ट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि भी यहाँ पर अच्छा फ्लैट अच्छा पीजी कहाँ मिल सकता है। और साथ में हम थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे और थोड़ा बहुत मैं व्लॉग भी कर लूँगा, क्योंकि यार मेरे को मतलब कि इस वाले चैनल के लिए कॉन्टेंट पोस्ट करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, और जस्ट फिलहाल थोड़ी सी जिंदगी बोरिंग चल रही है। जस्ट लाइक आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग देखे होंगे कि मैं उसमें ये बोलता था कि जॉब नहीं मिल रही है, इंटर्नशिप वगैरह वगैरह, क्योंकि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सो ता करके। एंड सो गाइस, तो फिलहाल हम प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम निकलेंगे सेक्टर 70 के लिए, 5 फेज 7 फेज के लिए, और यानी कि मोहाली में, और हमें ढूंढना है पीजी। तो उसके हिसाब से हम सुहाना उतर जाएंगे, फिर हम वोकी 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 यानी कि हम पैदल पैदल हम सेक्टर 70, 5 फेज 7 फेज, ऑटो फ्लैट जो भी मिलेगा बातचीत करते हुए चलते रहेंगे। हम भी बात करेंगे, तुम भी बात करेंगे, तो एंजॉय करो यार, चलो। देखो अभी हम जाने वाले थे सेक्टर 70 मोहाली में, वो देखो सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, चक्का जाम। ये गलत बात है यार, ये भी गलत है। मुझे लगता नहीं हम जा पाएंगे। यहाँ पे भी लगभग लांडरा चौक के हर एक रोड को ब्लॉक करा हुआ है, वो उधर वो रहा फ्रंट में, उस साइड वाला भी, और अपना ये वाला रोड तो जाम है ही, यानी कि जो अपना मेन कॉलेज वाला रोड है वो सामने वाला, वो भी जाम हुआ पड़ा है। लगभग चारों तरफ से रोड बंद हुआ पड़ा है, तो मतलब कि सुनने में आया था कि ये 3 बजे तक खुल जाएगा, और अभी 2:57 हो रखे हैं। होप करता हूँ कि 3 मिनट में खुल जाए, उसके बाद हम सेक्टर 70 के लिए निकलेंगे, 5 फेज 7 फेज, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और अभी फिलहाल हम ATM से पैसे निकालने लग रहे हैं, निकले। ये यहाँ से भी जाम है, ये वाले रोड भी ब्लॉक है, और जो बिल्कुल तो सामने वाली रोड है ये भी ब्लॉक है, वो रहा सामने अपना कॉलेज। और यहाँ पर अभी जस्ट जैसे कि मैंने बोला था कि 3 बजे जाम खुल जाएगा, यानी कि 3 o'clock प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, और यहाँ तक कि जाम भी अभी कैंसिल हो चुका है, और व्हीकल्स निकलते हुए अपने अपनी तरफ। जो कि नॉर्मल व्हीकल्स चल रहे थे, ऑटो रिक्शा वर्सेस व्हीकल्स, यानी गाड़ी बोड़ी, अब नॉर्मली सब कुछ चलने लग रहा है। हॉर्न सुना होगा आपने भी, गाड़ी का हॉर्न सुना होगा। तो अभी हम निकलते हैं सेक्टर 70 के लिए, 5 फेज 7 फेज, बड़ी मुश्किल से खुला था। जस्ट मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि शायद हम नहीं जा पाएंगे, शायद, बट भगवान की दुआ से यार मैंने किसी इंसान से पूछा कि उसने बोला कि 3 बजे, यानी कि 3 बजे ओपन हो जाएगा, और अभी ओपन हो चुका है। ओपन पहले के जैसे हो गया सब कुछ। एंड सो गाइस, हम फाइनली 7 फेज पहुंचते हुए, जैसे कि हमारा प्लान बना था सुहाना जाना था, बट हमने सोचा कि 7 फेज उतरते हैं, फिर 7 फेज से हम बैक आएंगे 5 फेज सुहाना लांडरा। ये वही मोम्स बेकर है जहाँ पे हम फ्रेंड्स पहले आते थे और यहाँ पे हम चिल करते थे, यानी कि मैं 7 फेज में आया हूँ कम से कम लॉकडाउन के बाद। यहाँ पे भी अच्छी खासी लोकेलिटी है यार, मजाक नहीं करता। हमें जिस मकसद से हम आए हैं यहाँ पे, यानी कि फ्लैट और पीजी ढूंढने के लिए, अभी फिलहाल हम उसकी तलाश में निकलते हैं, और ये मेरे फोन का फोकस नहीं हो रहा बारी बारी, इसलिए ना फेस पे ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही दिख रही है। देखो ये वाली ब्राइटनेस, फोन से फोकस नहीं हो रहा।
अभी हम 3v2 की तरह बढ़ते हुए, ये हमारी वो पैदल चल चल के चल चल के हमारी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी है, और अभी तो हमने ढूंढना शुरू भी नहीं करा हम तो इतनी देर से ऐसे भटक रहे हैं। एंड सो गाइस, तो अभी हम हनुमान मंदिर के पास घूमते थे, यानी कि 3v2 की ही लोकेशन है, ढूंढ रहे हैं हम। फालतू की बकवास कर रहे हैं, हम फ्लैट ही ढूंढने आए थे ना, हम पीजी ढूंढने आए थे, हमें टाइम पास कर रहा था तुम्हारा कट गया ना मैं बताएंगे हम मैं दिखाऊंगा आपको, फ्लैट दिखाऊंगा, पीजी दिखाऊंगा, हम मेरे साथ बने रहो तुम्हारा भी काटूंगा वैलेंटाइन आ रहा है। पिछली वाली क्लिप सिर्फ मजाक के लिए थी, तो मजाक के लिए ले लो यार, इन्फॉर्मेशन दूंगा तुम्हें मैं। तू 11,000 का देख के ना, इतना कंजेस्टेड है, आंतड़ियां सूख जाएंगी तेरी। एंड सो गाइस, तो हमारा 3v2 वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट पीसीज नहीं मिले, तो अभी हम जा रहे हैं 5 फेस 7 फेस, क्योंकि कोई भैया थे उन्होंने हमें गाइड किया, जस्ट आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स के लिए आना जाना बाहर से लगा रहे, तो सॉरी मम्मी। अभी हम 3v2 में ही चलने लग रहे हैं, अभी हम जाएंगे इस वाले सेक्टर में, लेफ्ट वाले में, ओके? अभी फिलहाल 5 फेस की तरफ बढ़ते हुए, ओके? लेफ्ट चलना है, राइट चलना है। तो गाइस, तो अभी हम 5 फेस के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं, हमें पता नहीं कहाँ को जाना है कहाँ को नहीं जाना है। इतने भटके मैं आज तक जिंदगी में नहीं भटकाऊंगा भाई, ना कोई फ्लैट मिला, जहाँ पे जाओ only for girls भाई, मैंने तो ड्रॉप कर दिया, मैं लांड्रा जा रहा हूँ कॉलेज, खत्म लोग। गुड़गांव चल रहे हैं सीधा। हाँ, ये गुड़गांव जाएगा अपने घर, मैं जा रहा हूँ रोहतक, जिंदगी बर्बाद। इतने घूम के पार्क पे पार्क, खत्म ही नहीं हो रही है पार्क। साले जाना गया है हमें, डेस्टिनेशन पता है सेक्टर 70 है बस, अभी हम जाएंगे सेक्टर 70, बस पता है जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हाँ, ये नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन जा रहे हैं पैदल। सोर्स पॉइंट पता है, 5 फेस के मिडल में है सोर्स पॉइंट, अभी फिलहाल हम बिल्कुल सेंटर ऑफ 5 फेस, जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो मैं सेक्टर 70 में मिलूंगा मैं, चलो। तो अभी हमने 5 फेस और 8 फेस के बिल्कुल सेंटर से आए हैं, और मतलब हमने जहाँ पे गोलगप्पे खाए थे वहीं पे 5 फेस में उसका टर्न अराउंड करके फिर हम उसी लोकेशन पे पहुंच गए, फिर हमने डिसाइड किया कि अब चलो हम सेक्टर 70 चलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। अभी हम सेक्टर 70 चलते हैं, सेक्टर 70 इतना चले कि पैरों की। अभी फिलहाल हम कारगिल पार्क की तरफ बढ़ते हुए, पार्क कारगिल। अभी फिलहाल हम लोग सेक्टर 71 में अभी चल रहे हैं, अभी सेक्टर 70 की तरफ जा रहे हैं, 71 to 70। तो फिलहाल हम अपने वापस लांड्रा जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा पीजी है कॉलेज के पास आ चुके हैं। हमने आज बहुत 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 पैदल चले, इन शॉर्ट ना हमें कोई पीजी मिला ना हमें कोई फ्लैट मिला, हमने 3v2 फेज 5 फेज 7 सेक्टर 71 सेक्टर 70 सारे छान मारे, जहाँ देखो वहीं पे वो कह रहे कि इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, जहाँ पे हम 24 आवर्स हम फ्री पॉकेट में घूम सकें। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, सो बने रहो गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू।